स्टार्ट इट हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जब जैसी बोलता है पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया सुनती है। नाउ वी आर हेयर इन बहरीन एट एवेन्यू मॉल और आप देख रहे हैं कि जब जैजी के साथ दो सुपरस्टार्स खड़े हों तो जैजी की तरफ कौन देखेगा, ये तो मैं मान सकता हूँ आपकी बात। आई नो दैट डेली पाकिस्तान है हमारा शानदार पेज और जनाब यहाँ पर एक शानदार रोम कॉम, यहाँ एक ऐसी रोमांटिक कॉमेडी मूवी की शूट होने वाली है जिसकी बहुत धूम मची हुई है और बहरीन आजकल इसी शूट पर बिजी है, तो आपको हम बिल्कुल टाइम वेस्ट to the awesome जब वो आएंगी जनाब आजम फिर से लाइव आ गए हैं लाइक शेरोस और जब दो सुपरस्टार्स मिल जाए एक रोमकॉम मूवी बन जाती है। वेलकम करें हम सब मिलकर किनको, सायरा शेरोस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मतलब कैसा लगा आपको बताएं बहरीन आना सारा? इट्स माय फर्स्ट टाइम हियर, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा है, मुझे जगह बहुत अच्छी लगी है, यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, इट्स अ वेरी नाइस पीसफुल प्लेस। या एग्जैक्टली, और यहाँ पे हम शूट आज कर रहे हैं, हमें जो लोकेशन दिया है कल्चर डिपार्टमेंट ने, वी वुड लाइक टू थैंक द कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ बहरीन, दे हैव बीन वेरी काइंड टू अस। सारी लोकेशन उन्होंने हमारे लिए सॉर्ट आउट किए हैं और एक भी प्रॉब्लम जिसे कहते हैं ना, जो एक शूट पे प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग किसी मुल्क की गवर्नमेंट से, एक भी हमने फेस नहीं किया, प्यार ही फेस किया हमने, बहुत मिला है हमें और लोकल से हमें बहुत ज़्यादा, देखिए पाकिस्तानी इंडियंस तो हैं यहाँ पे जो प्यार करते हैं, पर यहाँ के जो लोकल्स हैं जो बहरीनी हैं उनसे बहुत प्यार मिला है। अच्छा, आप दोनों के लिए लोग कहते हैं कि यू आर मेड फॉर ईच अदर, सो ये होता है कि ये कैसे किस हद तक बिल्कुल परफेक्ट बात नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली वी आर टुगेदर, दैट में हम लोग साथ हैं, हम लोग हैं, लोग हमें पसंद करते हैं और ये हमारी एक्चुअली पहली बार हम लोग कोई फिल्म एक साथ कर रहे हैं, जो हम 3-4 साल से इस पर काम चल रहा था, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं ईसा खान, उमर ईसा खान साहब, तो पहले मैं ऑन बोर्ड आया था फिल्म पे, उसके बाद मैं घर पे था और मैं फिल्म के गाने सुन रहा था, तो सायरा स्टार्टेड एंजॉयिंग द सॉन्ग्स, क्योंकि सायरा पहले फिल्म कर नहीं रही थी, शी वॉज बिजी, एंड देन सायरा विल टेल यू व्हाट हैपेंड। No, ईसा made me listen to ईसा ने मुझे गाना सुनाया तो I fell in love with that song and I was like I want this as my film song, so I must do this film, and then obviously there's Sharoz in it and I think ईसा's vision was great as well, is great, so I was like करना पड़ेगा। उनका विजन अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ही नोज व्हाट ही वांट्स, हमें ज़्यादा तंग नहीं करते, जो उनको चाहिए वही हमें करना होता है। अब हर किसी की डिफरेंट स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं, हमारी सेट पे जो स्ट्रेंथ है वो हमारे डीओपी भी हैं, हिज नेम इज ज़ोएब लतीफ़, ही इज़ अ फैंटास्टिक डीओपी, एंड जो को डीओपी हमारे, हमारी जो इंटायर टीम है ना वो बहुत बहुत अच्छी टीम है, हम लोग वी हैव बीन हियर फॉर ओवर अ मंथ, लेकिन हम लोग जिस तरह एक दूसरे के साथ रहे हैं एंड कोई लड़ाइयाँ नहीं, कोई इरिटेशन नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट टीम, एवरीवन इज वेरी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम आवर एडीज to our line producer, to our director, to our line producer, to everyone, I think it's a great team. Yeah. Aur, yeah. And how's Umar as a director? Umar is fantastic, mashallah Allah ne unko bahut dimag diya hai, unhone jo socha hai wahi wo bana rahe hain, usse wo tas se mas nahi hote hum kuch bhi keh le, to wo kabhi kabhar insaan ko wo cheez kabhi kabhar thodi ajeeb lagti hai, lekin then you realize ke director ki call final call hoti hai aur us pe hum log, har kisi ke kaam karne ka tarika hota hai, so you got to respect them for। और यहाँ पे जो हमें टीम मिली है ब्लू स्टील फिल्म्स की, दिस फिल्म इज प्रोड्यूस्ड बाय ईसा इन एसोसिएशन विद ब्लू स्टील फिल्म्स, सो ब्लू स्टील फिल्म्स इज बेस्ड इन बहरीन, द प्रोडक्शन हाउस है, इट्स को ओन्ड बाय, या को ओन्ड बाय मोहम्मद फखरो एंड ज़ोएब लतीफ़ा डीओपी, तो उन्होंने, तो मैं कहता हूँ ऐसा लग नहीं रहा है कि इट्स देयर
one of their first projects. They have done short films and all, but unki pehli puri feature film hai aur aisa lag raha hai ki wo pata nahi kitni Hollywood ki movies bana chuke hain. Yeah. Acha janab, दोनों पहली बार एक फिल्म में काम कर रहे हैं, पहली फिल्म दोनों की, ये भी एक बड़ी वाइब है और जिसकी इस वक्त पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पे और अखबारों में धूम मची हुई है कि बताएं कि वो कैसी वाइब है और असल लाइफ है सारा कुछ। नहीं 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 बिल्कुल, ये तो दो फिक्शनल कैरेक्टर हम प्ले कर रहे हैं इसमें और they're shown to be madly in love with each other. I can relate to that for sure. Relatable cheezein to aise to kafi hain jo romantic scene mein to I have seen the rushes and they are beyond awesome. I have seen it. Bas Allah inshallah apne nabi sallallahu alaihi wasallam ke sadqe mein karam kare hum sab pe. Aur obviously jo sara romantic part hai us wo relatable hai because hum log shaadi shuda hain. Ha thoda thoda relatable hai because Isa ka romance ka style kuch aur hai. To lekin hame maza bahut aa raha hai. And we are having a great time because working together और हमें पता है लोग क्या expect कर रहे हैं वो हमें excite बहुत कर रहा है क्योंकि लोगों को जब आपको पता होता है लोग आपको देखना चाह रहे हैं तो वो चीज़ डर भी लगता है मगर excitement भी है okay. पसंद है हर किसी के साथ बहुत प्यार से डील करते हैं चाहे वो कोई भी हो और पेशेंस बहुत है शेरोज में माशाल्लाह और कौन सी कोई खामी खामी मिस्टर परफेक्ट पर आप बताइए इस बात का आंसर नहीं सायरा की सायरा सायरा की सारी बातें अच्छी हैं और और अच्छी हैं तभी हम माशाल्लाह साथ हैं और बगैर किसी झगड़े के किसी इश्यूज के हम लोग साथ काम कर रहे हैं ये अपने काम करती है मैं अपने काम करता हूँ फिर हम घर पे मिलते हैं फिर हम साथ काम करते हैं तो आई थिंक मेन चीज़ यही है कि दो वर्किंग पीपल विद जो हम अब तो हम पेरेंट्स भी हैं माशाल्लाह हमारी चार साल साढ़े चार साल की बेटी है उसके साथ रहते हुए भी हम आपको अभी हंसते हुए नजर आ रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ अल्लाह का करम है अच्छा बताएं कि बहरीन में आपने क्या क्या खाया अब तक बताएं कुछ बहरीन के बारे में कितना घूमे और बहरीन में इतना खूबसूरत सी जगह है छोटी सी आई लव द फैक्ट कि बहरीन ज़्यादा बड़ा नहीं है यू नो आप घूम नहीं जाते और हर जगह करीब करीब में है जिस तरह कराची में अगर कहीं दूर जाना होता है बहुत है मुझे ओसीडीज़ बहुत है क्लीनलीनेस फ्रीक हूँ मैं मुझे साफ जगह पसंद है और ये बहुत साफ है और कोई कोई और खुशबू है यहाँ पे बड़ी अच्छी और उसको बहुत पसंद है अरबिक ऊद वगैरह तो एंड स्पेशली आई थिंक इवन खाना यहाँ का बहुत अच्छा है आई हैड फूड एट लूमी अच्छा यहाँ पे खुल रहा है तो लूमी इज रियली गुड और या बहुत अच्छा अच्छा मुझे बताएं कि कराची और बहरीन डिफरेंस तो है काम मतलब तो क्या मेन कराची कराची तो बहुत बड़ी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जो बहुत अच्छी हो गई हमारी नई गवर्नमेंट आई है माशाल्लाह कराची तो कमाल एक जगह है ये पेस बहुत अच्छा है आई फील हाँ कराची ज्यादा तेज हो गया है उसके साथ आपको बहुत तेज होना पड़ता है आपका दिन कब शुरू होता है कब खत्म होता है नहीं पता चलता यहाँ पे यू हैव टाइम यहाँ पे हम शूट यहाँ पे भी कर रहे हैं मगर एक पेस अच्छा है पीस बहुत है बहुत है आई थिंक जैसे सॉरी जिस तरह लाहौर का एक पेस है आई थिंक बहरीन का पेस वैसा है नहीं 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 लाहौर भी बहुत रशी हो चुका है हां आई थिंक यहां का पेस नहीं आई वोंट कंपेयर इट टू एनी पाकिस्तानी सिटी यहां का पेस आई वुड से जो दुबई 90s में था ना वो पेस है 90s का दुबई दो तीन सवाल बस लास्ट देखिए हम बहुत लंबा नहीं करेंगे ताकि लोग फिर ना कहते हैं ना कि हम चाहते हैं कि जो हमारे स्टार्स हैं मुझे खाना पीना भी करें शूट भी फिल्म की होनी है और काफी प्रिपरेशन है अच्छा अगर आज सबके सामने कुछ कहना हो वन लाइन आप दोनों दूसरे से तो वन लाइन क्या होगी पहले हम आपसे लेंगे लेडीज फर्स्ट कुछ नहीं हम लोग एक्चुअली शेरोज के लिए या शेरोज से शेरोज से हम शेरोज से शेरोज के लिए हम लोग हाँ बट ऑनेस्टली हम लोग एक दूसरे के साथ इतने ऑनेस्ट और ओपन हैं कि शेरोज से तो जो भी मुझे कहना होता है ऑलवेज टेल हिम लेकिन शेरोज के लिए आई वुड जस्ट से आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड एंड लकी टू हैव फाउंड सच अ पार्टनर
नहीं नहीं बस मेरा भी फीलिंग्स आर म्यूचुअल ऑब्वियसली बिकॉज़ बहुत ऑकवर्ड है व्हेन इट कम्स टू लाइक सेइंग गुड थिंग्स एंड शोइंग एनी काइंड ऑफ लव ना तो बहुत ऑकवर्ड होते हैं पब्लिक नहीं 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 वो बस ऐसी है फीलिंग्स आर म्यूचुअल ऑब्वियसली बिकॉज़ वरना मैं दोबारा वही बात करना चाहूंगा कि एक खुश फैमिली रखना ये अल्लाह का करम होता है इंसान जितना भी कर ले अगर बड़ों की दुआएं नहीं होंगी आपके साथ तो कुछ नहीं होगा हमारे साथ बहुत दुआएं हैं हमारे बड़ों की और जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे से आज जो इंटरव्यू हो रहा है अभी लाइव हम लोग बड़ा मजेदार हो रहा है बड़ा पैपी सा है क्योंकि हम लोग तो घूम रहे हैं एवेन्यूज में और बड़ा लाइव चलते फिरते में ना आपका हमने इंटरव्यू कर लिया है लेकिन मैं दिल से थैंक्स करूंगा हाँ हाँ फिर वॉक करते हैं थोड़ा आगे तेरा कैमरा मैन प्लीज थैंक यू सो मच तो जब वॉक करते करते हम लोग साथ जा रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान हमें देख रहा है इस वक्त बहरीन हम लोग हैं इस वक्त बस आई नेवर थॉट गाइस कि मैं कभी बहरीन में आप लोगों का इंटरव्यू करूंगा दिस वाज अमेजिंग बिल्कुल तो जनाब अब हमको पैगाम लेंगे अपनी ऑडियंस के लिए फिल्म के हवाले से भी दोनों के और वैसे भी कुछ कहना चाहते हैं फैन बेस है आप लोगों की सो पहले कौन जवाब दे रहा है I think I would just like to tell everyone कि जरूर मूवी देखिएगा एंड आई थिंक आप लोगों को पसंद आएगी डिफरेंट है अच्छी है एंड इट्स योर लव दैट्स ब्रॉट अस ऑल द वे हियर सो सो या कीप गिविंग अस लव आई वुड आल्सो लाइक टू से कि बस आप लोग जो हमें प्यार करते हैं हमें प्यार करते रहें आप लोगों के प्यार की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम लोग आपके लिए करते हैं काम ऑब्वियसली अपने लिए भी करते हैं अपनी फैमिली के लिए भी करते हैं मगर हमारा काम ऐसा है जिसमें आप भी इन्वॉल्व्ड हैं आपको अच्छा लगेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी ऑलवेज कीप यू इन माइंड समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स समटाइम्स नोबडी इज़ परफेक्ट एंड आई फील कि इंशाल्लाह दिस टाइम वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू गिव यू समथिंग वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी समथिंग दैट यू ऑल विल गो वॉच विद योर फैमिली एंड चेरिश फॉर अ लॉन्ग टाइम इंशाल्लाह आप दोनों इतना अच्छा बोलते हैं कि मैं क्या कहूँ ये होते हैं एजुकेटेड मॉडर्नाइज्ड सेलिब्रिटी सुपरस्टार थैंक यू सो मच गाइस सीरियसली इट वाज अ गुड लेकिन अभी जाना नहीं आप लोग सेल्फी जरूरी है जनाब ये है डॉक्टर एजाज वारिस की आवाज और आप लोग देखें डेली पाकिस्तान का वो पेज जहाँ दुनिया भर के पाकिस्तानी मिल जाते हैं बहरीन से हम लोग लाइव थे